अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला एक समृद्ध ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का माना जाता है। ये मेला भाद्र शुक्ल पंचमी से शुरू हुआ और दशमी को शोभा यात्रा के साथ इसका समापन हो गया है। भारी वर्षा के बीच मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं की डोला शोभा यात्रा मां नंदा देवी मंदिर से विधि विधान से निकाली गई, जिसके बाद बाजार और विभिन्न मार्गों से होते हुए दुगाल खोला स्थित नौले में विसर्जित की गई। डोले में चंदवंशीय युवराज नरेंद्र चंद राज सिंह सहित मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, विधायक मनोज तिवारी और भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। ये शोभा यात्रा पूरे कुमाऊं के अंदर, पूरे गढ़वाल के अंदर एक अल्मोड़ा में अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है, ये सांस्कृतिक यात्रा है। हम सबके पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में मिली एक सौगात के रूप में ये यात्रा वर्षों से मनाई जाती है। इसमें सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, सारे शहरी क्षेत्र के लोग माँ का आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा में आते हैं। उनसे हमेशा पूजन अर्चन करके यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे कुमाऊं के अंदर, घर के अंदर, गढ़वाल के अंदर, पूरे देश भर के अंदर खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, यही प्रार्थना माँ से रहता है। माँ की ये यात्रा अपने आप में पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक यात्रा है। नंदा देवी मेले का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब कुमाऊं के चंदवंश के शासकों ने इसे शुरू किया था। चंदवंश के शासक नंदा देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते थे और उन्होंने नंदा देवी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस मेले की परंपरा शुरू की थी।